linguistic space. I'm Kritika. I'm a dentist by a profession. And those who are new to my channel, please press that subscribe button and press that bell notification icon so that you will get updated from my new videos. Okay, so let's get started with this topic. So today's my topic is about the hair growth active serum of Minimalist. I am reviewing today this serum. But before we start this topic, हमें थोड़ा सा हेयर ग्रोथ के बारे में जानने की थोड़ा सा ज़रूरत है, तब जाके हमें इस सीरम के जो कंटेंट्स है वो समझ में आएंगे और एक्चुअली वो क्या वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, तब समझ में आएगा। तो हम सीरम का जो रिव्यू है वो थोड़ा बाद में लेंगे, उसके पहले हम ज़रा हेयर ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम हेयर ग्रोथ साइकिल की। तो जो हेयर ग्रोथ साइकिल होती है ये चार फेसेस में डिवाइड होती है, एनाजेन, कैटाजेन, टिलोजेन एंड एक्सोजेन। जो एनाजेन होता है ये फर्स्ट फेज होता है हमारी हेयर ग्रोथ के साइकिल का। इसमें क्या होता है, हमारे जो सेल्स जो रहते हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड होते हैं, बहुत जल्दी जो है डिवाइड होने लगते हैं अंदर में, और उसके बाद में यहाँ से हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये जो है 2 से 6 साल तक की ये स्टेज चलती है। इसके बाद में नेक्स्ट फेज जो होता है वो होता है कैटाजेन। कैटाजेन जो होता है ये रिग्रेशन फेज होता है, यानी इसमें जो ये जो पहले स्टेज में जो सेल डिवाइड होते हैं वो इसमें सेल डिवाइड होना कम होने लगते हैं या बंद होने लगते हैं। ठीक है, हमारा हेयर फॉलिकल जो होता है, जहाँ से हमारे हेयर निकलते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, यानी कि वो छोटे होने लगते हैं। और जो जो ब्लड सप्लाई होता है हमारा डर्मल पैपिला से, वो जो ब्लड सप्लाई है वो टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज में होता है। देन होता है टिलोजेन। टिलोजेन जो होता है ये हमारी लास्ट फेज होती है, इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। ओल्ड ईयर्स जो होते हैं वो रेस्ट फेज में जाते हैं, यानी अब इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, ना वो ग्रो होते हैं ना ही सेल डिवाइड होते हैं और अटैच होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है एक्सोजेन। एक्सोजेन जो होता है, यानी कि ये अर्ली एनाजेन फेज भी बोला जाता है। एक्सोजेन में जो ओल्ड हेयर्स है वो गिरने लग जाते हैं और जो नए सेल्स हैं वो फॉर्म होना फिर से चालू हो जाते हैं, फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाती है एनाजेन से। ओके, 6 साल या 7 साल तक के चलता है। जो कैटाजेन फेज होता है वो 10 दिन तक के चलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ग्रोथ साइकिल समझ में आई हो। हेयर फॉल तब है टिलोजेन फेज में, हेयर फॉल होता ही होता है, आप कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ओल्ड सेल्स हैं उनको चेंज करने के लिए ओल्ड हेयर जो है वो गिरते हैं, तभी जाके नए हेयर्स वहाँ से आते हैं। तो हेयर फॉल जो है वो बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये कंसर्न जब ये चिंता का विषय तब बन जाता है जब हमारे पिलो कवर्स पे जब आपको बहुत ज़्यादा बाल दिखने लगे, या हमारे घर पर बहुत ज़्यादा बाल दिखने लगे, हमारे डस्टबिन में बहुत ज़्यादा बाल जमा दिखने लगे, तब आप थोड़ा सा कंसर्न हो सकते हैं। तो तब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्रक्यूलॉजिस्ट के पास जाके मिल सकते हैं कारण क्या है इस तरह का हेयर फॉल होने का। ओके, जो हेयर फॉल होता है वो 2 तरीके से होता है, एक जैसे फीमेल पैटर्न कहा जाता है और एक मेल पैटर्न कहा जाता है। हेयर लॉस होने के फैक्टर्स भी दोनों में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हेयर फॉल होता कैसे है। तो जब शरीर में टेस्टोस्टेरॉन जो है एक हार्मोन होता है, जो टेस्टोस्टेरॉन है ये जब 5 अल्फा रिडक्टेस के साथ में कंबाइन हो जाता है, तो एक डाइहाइड्रोक्सीटेस्टोस्टेरोन यानी कि DHT एक एंजाइम फॉर्म होता है। तो जब ये DHT फॉर्म होता है तो इसका लेवल अगर हमारे शरीर में बढ़ने लग जाए तो इसकी वजह से हमारा हेयर फॉल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। तो ये एक मेन रीज़न है जिससे हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो ये इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको जो मैं सीरम का रिव्यू देने वाली हूँ वो एक्ट कैसे करता है आपको ये समझेगा कि ये किस चीज़ पे एक्ट करता है, तब जाके आपका हेयर फॉल स्लो हो जाता है या न्यू हेयर ग्रोथ हो जाता है। ओके, हेयर फॉल के जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे रीजंस हैं, उसमें होता है स्ट्रेसफुल कंडीशंस होता है, देन सिगरेट स्मोकिंग होता है,
किसी किसी में जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटरी भी होता है, किसी किसी में कोई कैंसर पेशेंट में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है, यानी कोई सिस्टमिक डिसीज बहुत ज़्यादा हो तो, एंड देन माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है, कोई विटामिन अगर हमारे शरीर में कम होने लगे, जैसे आयरन डिफिशेंसी हो, विटामिन डी की कमी हो, तो इस वजह से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज के वजह टाइम पे भी जो है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है फीमेल पैटर्न में। फीमेल हेयर पैटर्न और मेल हेयर पैटर्न में डिफरेंसेस कुछ ऐसा होता है कि फीमेल पैटर्न में जो है हमारा पार्टिंग लाइन से जो है बहुत थिनिंग ऑफ हेयर होने लगती है और सामने में हल्का सा हमारा हेयर लॉस दिखने लग जाता है और बहुत पतले हेयर दिखने लगते हैं। लेकिन मेल पैटर्न में ऐसा हो जाता है कि शुरुआत यहाँ से होती है और फिर वो स्प्रेड होते होते यहाँ से होती यहाँ तक के हो जाता है और पूरा ही हेयर लॉस होने लग जाता है, एक क्लीन शाइन सरफेस दिखने लग जाती है जो कि फीमेल पैटर्न में नहीं दिखती है। ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, सो हेयर फॉल को हेयर फॉल तब तक नहीं माना जाता जब तक आपका एनाजन फेस काम नहीं कर रहा हो, यानी कि अगर आपके बाल जो है वो ग्रोथ नहीं हो रहे हो, झड़ने के बाद अगर आपके नए बाल नहीं उग रहे हो तो उसे हेयर फॉल माना जाता है, वरना हेयर फॉल जो है वो एक नॉर्मल साइकिल है, सारे ही लोगों के बाल झड़ते हैं और उसके जगह नए बाल आते हैं, लेकिन अगर नए बाल आना बंद हो जाए तो फिर वो चीज़ जो है आपके लिए कंसर्न का कारण हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने हेयर ग्रोथ साइकिल समझाई आपको समझी होगी, मैं बहुत डिटेल में नहीं गई हूँ, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया, तो आई होप सो कि आपको ये कुछ काम आएगा। अब हम इसके आगे सीरम का रिव्यू शुरू करेंगे। सो अब हम शुरू करते हैं इस सीरम का रिव्यू, मिनिमलिस्ट हेयर ग्रोथ एक्टिव 18%। सो बेसिकली एक हेयर रीग्रोथ सीरम है जिसमें एक्चुअली 5 इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं, जिसमें 5 इंग्रेडिएंट्स मेन जो इसमें काम करते हैं वो है कैपेक्सिल, रेडेंसिल, प्रोकैपिल, एनागेन एंड बाइकैपिल। जो कैपेक्सिल है वो इसमें 5% यूज़ किया हुआ है, एंड देन जो रिडेंसिल, प्रोकैपिल एंड एनागेन जो ये 3% है, एंड जो लास्ट है बाइकैपिल वो उसकी स्ट्रेंथ 4% है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इतनी लंबी है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी ना बनाते हुए हम शॉर्ट टू शॉर्ट में सारे इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कैपेक्सिल से। कैपेक्सिल जो है ये ट्रेडमार्क है, लुकास मेयर कंपनी से लिया गया है, कनाडा से जो है। कैपेक्सिल जो है वो एक एंटी एजिंग हेयर इंग्रेडिएंट है जिसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं कैपेक्सिल के अंदर में। हमने एक लिस्ट दी गई है जिसको देख के मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि सारे नाम मैं याद नहीं रह सकती, आई एम सो सॉरी। सो ये कॉम्प्लेक्स है कैपेक्सिल, ब्यूटिलिन ग्लाइकॉल का, एक्वा का, डेक्स्ट्रन का, देन एसिटिल टेट्रापेप्टाइड 3 एंड ट्राइफोलियम प्रोटेंस क्लोवर लीफ एक्सट्रैक्ट का। तो ये जो है ये एक पेप्टाइड्स है जो कि रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट के साथ में एक कॉम्बो फॉर्म करते हैं और ये कॉम्बो बना के कैपेक्सिल बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या करता है, ये 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को रिड्यूस करता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये 5-अल्फा रिडक्टेज जो है ये टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये 5-अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी डिप्रेस करने लगेगा तो अपने आप ही जो है टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्शन DHT में नहीं होगा, तो इस तरीके से ये काम करता है, तो ये आपका जो है DHT जो है उसको बनने से ये रोकता है। ओके, सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है स्कैल्प का इसको ये रिन्यू करता है, और जो एंकरिंग प्रोटीन होते हैं यानी कि जो बालों को मजबूती देने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो एंकरिंग प्रोटीन का ये सिंथेसिस बढ़ा देता है। ओके, तो ये रहा कैपेक्सिल के बारे में। आपको जो मैंने इसके कॉम्प्लेक्स के जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो आपको इस सीरम के जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसके स्टार्टिंग के ही 4-5 नंबर्स में आपको ये मिल जाएंगे, बिकॉज ये उसका मेन स्ट्रेंथ है कैपेक्सिल 5%, तो आपको उसका इंग्रेडिएंट्स पहले ही मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। ओके,
सो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लिस्ट में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में है वो है बाइकैपिल 4%। बाइकैपिल जो है ये प्रोवेटल स्पेन से लिया गया है, ये उनका ट्रेडमार्क है। सो वहाँ से ये लिया गया है और इसका 4% कॉन्सेंट्रेशन इस सीरम में यूज़ किया गया है। ये भी एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है, यानी एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे इंग्रेडिएंट का, जिसका लिस्ट मैं अभी बता रही हूँ आपको। इसमें है ग्लाइसिन सोजा जर्म एक्सट्रैक्ट, देन ट्रिटियम वल्गरे वीट एक्सट्रैक्ट, देन स्कुटेलेरिया बाइकलेनेसिस रूट एक्सट्रैक्ट, देन सोडियम बेंजोएट ग्लूकोनोलैक्टोन कैल्शियम ग्लूकोनेट, देन आर्जिनिन लैक्टिक एसिड प्रोपेंडायोल एक्वा। इनका ये कॉम्बिनेशन है ये, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें ग्लाइसिन सोजा जर्म एक्सट्रैक्ट जो होता है वो जो होता है ये हमारे स्काल्प के सेल्स को स्टिमुलेट करता है और हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, ओके, जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ अच्छा होता है। नेक्स्ट इज वीट जर्म एक्सट्रैक्ट, जो कि एक मॉइस्चराइजिंग और कंडीशनिंग प्रॉपर्टी के साथ आता है, जो कि हमारे हेयर्स को अच्छा कंडीशन करता है, सॉफ्ट रखता है। वाटर इंग्रेडिएंट है इसका वो है स्कुटेलेरिया बाइकलेनेसिस रूट एक्सट्रैक्ट, जिसका मेन एक्टिव कंपोनेंट है बाइकैलिन, इसका मेन एक्टिव कंपोनेंट जो है वो बाइकैलिन है, जो कि एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अच्छा एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। ये एक टाइट करता है, बढ़ाता है हेयर डेंसिटी, बढ़ाता है सर्कुलेशन, इम्प्रूव करता है हमारे से बचाता है, तो ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मैं आपको बता चुकी हूँ। स्किकर होने लगते हैं, हेयर डेंसिटी बढ़ने लगती है। उसके बाद में बाकी जो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं उसमें से जो ग्लूकोनोलैक्टन है वो एक एक्सफोलिएटर का काम करता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो एक मॉइस्चराइजर का काम करता है, देन आर्जिनिन जो है इसमें वो एक सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो कि इन्फेंट्स में नहीं होता है। और इसका जो काम है वो ये है कि ये हमारे हेयर का केराटिन में हेल्प करता है और स्किन में कोलेजन फॉर्म करने में हेल्प करता है। देन लैक्टिक एसिड है, जो कि एक एक्सफोलिएटर है, और एक प्रोपेंडियोल है, जो कि एक सॉल्वेंट है। तो ये सब मिलके बाइकैपिल बनाते हैं, और जो बाइकैपिल है ये हमारा हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर लॉस कम करता है, साथ ही में हेयर डेंसिटी भी बढ़ाता है, यानी बालों को घना करता है। बाइकैपिल जो होता है ये हमारे एनाजन फेज, जो हमारी फर्स्ट फेज होती है हेयर की ग्रोथ की, उसको ये बढ़ाता है, उसकी लाइफ बढ़ाता है, टाइम बढ़ाता है, टाइम पीरियड। और जो टिलोजन है, जिसमें बाल ज़्यादा झड़ते हैं, वो फेज को ये थोड़ा कम कर देता है। इस वजह से हमारी हेयर ग्रोथ ज़्यादा दिखने लगती है, हेयर लॉस के कंपेरिजन में हमारी हेयर ग्रोथ ज़्यादा दिखने लगती है। तो ये काम करता है बाइकैपिल। तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लिस्ट में वो है प्रोकैपिल, जो कि ट्रेडमार्क लिया है सेडर्मा यूके से है ये प्रोडक्ट। इसके इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि लिस्ट में दिया गया है, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। जो है PPG 26 ब्यूटेथ 26, देन PEG 40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, देन एबिजेनिन, देन ओलियोनिलिक एसिड, देन बायोटोनाइन ट्राइपेप्टाइड 1। तो ये जो है ये इसकी लिस्ट में आते हैं। तो इसमें जो PPG 26 ब्यूटेट 26 है और जो PEG 40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल जो है ये सर्फेक्टेंट का काम करते हैं, जो कि प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा अच्छे से मदद करते हैं। इसके बाद में जो है एपिजेनिन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हमारा ब्लड सप्लाई जो है वो इम्प्रूव करता है बालों का। देन जो ओलियोनिलिक एसिड है, इसका फंक्शन क्या है, ये 5-अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से DHT फॉर्मेशन कम होने लगता है। और आपको तो पता है DHT की वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो हेयर फॉल कम होने लगता है इसकी वजह से। देन जो है बायोटेनाइल ट्राइपेप्टाइड 1 जो है, इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है हमारे बालों को मजबूती देता है, बाहर से आउटर शीथ सेल और इनर शीथ सेल होते हैं बालों में, उनको ये मजबूती देता है। और ओवरऑल जो है जो प्रोकैपिल, सो जो
ओवरऑल प्रोकैपिल जो है इसका काम यह है कि ये हमारे बालों की एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है और हेयर फॉल कम करता है। और प्रोकैपिल का जो कंसंट्रेशन है सीरम में यूज किया गया है वो 3% है। नेक्स्ट इज एनागेन 3%। ये जो है ये निबेल एजी स्विट्जरलैंड से लिया हुआ प्रोडक्ट है। इसमें भी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हुए हैं, तो ये है पाइसम सटाइवम पीस पाउट एक्सट्रैक्ट, देन सोडियम बेंजोएट एंड फिनोक्सीथेनॉल। सो जो इसमें जो पाइसम सटाइवम पीस पाउट एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है, पीस जो है ये कहा जाता है कि ये इनमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं जो कि प्लांट्स को डिसीज से, डैमेज से, ड्रॉट से बचाते हैं, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बचाते हैं बीमारी से, सूखापन जो होता है, ड्रॉट होता है उससे, कोई भी डैमेज जो आउटर से होता है उससे ये बचाता है। और माना गया है कि ये जो है ये ह्यूमन में भी यानी इंसानों में भी ये जो पीस पॉट एक्सट्रैक्ट जो है कुछ डिजीजेस को रोकने में कारगर साबित होता है। इस वजह से इसमें पीस सटाइवम एक्सट्रैक्ट जो है ये लिया गया है, यानी पीस का एक्सट्रैक्ट लिया गया है। सो इन शॉर्ट जो ये एनागेन है, ये एनागेन क्या करता है, ये डर्मल पैपिला को इंड्यूस करता है कि हमारे डर्मल पैपिला में जो है ये डर्मल पैपिला को इंड्यूस करता है कि और ज़्यादा सेल वहाँ पे बने, जिससे कि हमारा हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा बने और हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो। इस तरह से ये हमारा हेयर ग्रोथ बढ़ाता है और हेयर डेंसिटी बढ़ाता है। ये जो है ये नोगिन और एक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 7 जो है जीन है ये, इसका इसको बढ़ाता है या इसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ साइकिल जो है ये इंक्रीज होने लगता है एनागेन फेस का। सो ये इसका पॉइंट है एनागेन 3% का। सो जो नेक्स्ट कंपोनेंट इसमें यूज़ किया गया है रिडेंसिल 3%। रिडेंसिल 3% जो है वो गिवा जॉन स्वीडन से लिया गया है। इसमें भी इंग्रेडिएंट जो इन्वॉल्व है वो है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, देन यूरोपिया वुड एक्सट्रैक्ट, लारिक्स यूरोपिया वुड एक्सट्रैक्ट, देन ग्लाइसिन, जिंक क्लोराइड एंड देन कैमेलिया साइनेसिस लीफ एक्सट्रैक्ट, दैट इज ग्रीन टी। इसमें जो है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट जो है एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, लारिक्स यूरोपिया वुड एक्सट्रैक्ट जो है ये एक मॉइस्चराइजर का काम करता है, जो ग्लाइसिन है ये एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, इस स्किन में प्रोटीन कोलेजन इलास्टिन ये बनाने के काम आता है, जो एज के साथ में ग्लाइसिन कम होने लगता है, क्लोराइड जो कि एक सूजनिंग एजेंट है, एंड देन जो मेन प्रोडक्ट है इसका कैमेलिया साइनेसिस लीफ एक्सट्रैक्ट जो कि ग्रीन टी, एक्चुअल में ग्रीन टी है, ये एक नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट है। इसका जो एक्टिव कंपोनेंट है वो पॉलीफिनॉल्स है, जिसमें एक है EGCG एंड DHQG। वो क्या करता है, वो सेल को मरने से बचाता है, ब्रेकडाउन होने से बचाता है और उसको एनर्जेन के तरफ लेके जाता है ताकि आपका वहाँ पे हेयर ग्रोथ होने लगे। एंड देन जो डर्मल पैपिला में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं यानी HSPC सेल्स जो होते हैं उनको वो एक्टिवेट करता है ताकि मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो और आपके हेयर फॉलिकल्स फॉर्म हो जाए। और जो HQG ग्लाइसिन और जिंक क्लोराइड के साथ में कंबाइन होके ये हेयर का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, अरे हेयर की न्यू ग्रोथ, हमारे हेयर की जो है ये न्यू ग्रोथ साइकिल को एक्टिवेट करता है, एनाजन फेस को इंड्यूस करता है, टिलोजन फेस रिड्यूस करता है, इस वजह से हेयर ग्रोथ जो है थोड़ा फास्ट होने लग जाता है। रिडेंसिल के बारे में ये कहा गया कि एक न्यू इंग्रेडिएंट है जो हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल है। इवन मिनोक्सिडिल जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हेयर ग्रोथ के लिए, मिनोक्सिडिल से भी ज़्यादा माना जा रहा है। कहा जाता है कि एक सर्जिकल प्रोसेस के करने के बाद जो 72 डेज में जो रिज़ल्ट मिलते हैं उतने रिज़ल्ट रिडेंसिल
इटसेल्फ देता है, तो इस वजह से रिडेंसिल जो है आजकल ब्रेक थ्रू इन्ग्रीडियंट बना हुआ है सारे हेयर ग्रोथ एक्टिव सीरम्स का। सो रिडेंसिल का एक और पॉइंट ये है कि मिनोक्सिडिल में साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं और रिडेंसिल में साइड इफेक्ट्स जो है वो कम है या नहीं के बराबर है। देन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट में है वो है ज़ाइलिटोल ग्लूकोसाइड, एनहाइड्रोक्सी ज़ाइलिटोल और ज़ाइलिटोल, ये मॉइस्चराइजर का काम करते हैं। एंड देन है सैकराइड आइसोमेरेट जो एक मॉइस्चराइजर का काम करता है अगेन। देन जो इसके और दो स्टार इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के है सैंग्विसोर्बो ऑफिसिनलिस रूट एक्सट्रैक्ट, ये जो है ये एक सर्फेक्टेंट का काम करता है, प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। प्लस ये जो है ये हमारा एनाजन फेस जो है इसको इंक्रीज करता है और ईजीएफ जो फैक्टर्स है उसको डिक्रीज करता है और हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। देन जो सेकेंड इंग्रीडियंट और जो है इसमें वो है सेरेनोवा सेरुलेटा फ्रूट एक्सट्रैक्ट, यानी सौ पॉलमेटो फ्रूट एक्सट्रैक्ट, सेरेलोना सेरू है। बारे में सौ पॉलमेटो एक्सट्रैक्ट के बारे में अगर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं हुआ है तो बहुत फर्म इसके साथ में नहीं कहा जा सकता कि इसका इफेक्ट कितना है, लेकिन कहा जाता है कि ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है सौ पॉलमेटो एक्सट्रैक्ट। करंट एविडेंस इसके लिए थोड़े से कम है तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल होता है ऐसा रिजल्ट इसमें देखने आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है हमारे पास में इसके। देन जो लास्ट कुछ फेवर इंग्रीडियंट्स बाकी है उसमें है कैप्रियोक्सिल है, डेम्पिनोक्सिथ्रोन मैं पहले बता चुकी हूँ वो एक प्रिजर्वेटिव है। देन इथिल एक्सिल ग्लिसरीन जो कि एक डिओडेंट और एमोलियंट का काम करता है। देन साइट्रिक एसिड है वो एक बफरिंग एजेंट है, सोडियम साइट्रेट अगेन बफर है और लास्ट लैक्टिक एसिड जो एक एक्सफोलिएटर का काम करता है। तो ये हुई हमारी इंग्रेडिएंट की लिस्ट। आई होप सो कि मैंने सारा इंग्रेडिएंट कवर किया हो। अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट के बारे में पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो इंग्रेडिएंट को भी एक्सप्लेन करूँ अगर मैं इस वीडियो में उससे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल सकी उतना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ। बाकी आपको अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करना है तो प्लीज़ अपने डर्मेट और ट्रैकोलॉजिस्ट को कंसर्न करें उसके बाद में यूज़ करें, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबकी स्किन अलग होती है, तो ये प्रोडक्ट किसे सूट करेगा किसे नहीं ये हम बोल नहीं सकते। ओके सो ये सब इंग्रेडिएंट्स थे जो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं इस हेयर ग्रोथ एक्टिव सीरम में, जो कि काफ़ी हेयर ग्रोथ और हेयर ग्रोथ और हेयर डेंसिटी बढ़ाने का काम करते हैं, एनाजेन फेस को इंक्रीज़ करते हैं, देन टीलोजेन फेस को डिक्रीज़ करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, अच्छे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किए हुए इस सीरम में। तो अब हम देखते हैं कि मेरा जर्नी कैसा रहा इस सीरम के साथ में। मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स इस सीरम को यूज़ कर लिया है अभी तक, तो लेट्स सी इसके रिजल्ट कैसे हैं, मैं आपको अगले वीडियो क्लिप्स दिखा रही हूँ, देखिए फिर। सो आप इस जगह देख सकते हैं मुझे इस जगह पे पैच आ गया है, तो मैंने यहाँ पे लगाना शुरू किया सीरम, तो मुझे कुछ 15 दिनों बाद में मुझे यहाँ पे हल्का सा बेबी हेयर दिखने लगा, देख सकते हैं आप भी। देन उसके बाद में ये और 15 डेज़ के बाद का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें मुझे थोड़ा सा लेंथ बढ़ते हुए दिख रही है मेरे बेबी हेयर्स की, सॉरी 15 डेज़ का नहीं है ये 1 मंथ बाद का वीडियो है। देन उसके बाद में ये ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद का वीडियो है, हेयर ग्रोथ जो है लंबे होते जा रहे हैं, बाल लेंथ बढ़ते जा रही है, आपको नोटिसेबल होगा। उसके बाद में ये जो है ये 3 मंथ्स बाद का वीडियो है, आप देख सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ लेंथ। सो ये थी मेरी जर्नी जो आपने वीडियो क्लिप्स में देख चुके हैं।
डिलीवरी के बाद में, प्रेगनेंसी के बाद से मेरा हेयर फॉल बहुत बढ़ने लग गया था, और स्पेशली इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, और ऐसा लगने लगा था कि अब तो बस यहाँ बाल आने ही नहीं वाले हैं। एक शाइनी सा सरफेस दिखना चालू हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई थी। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि कुछ ट्राई किया जाए, और मिनिमलिस्ट का हेयर एक्टिव ग्रोथ उसी टाइम पे आया, सो मैंने सोचा कि चलो इससे भी ट्राई करके देखते हैं, और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। और अब तो आप देख सकते हैं मेरे बालों की जो, ये देखिए ये पोर्शन की जो बाल है उनकी लेंथ मेरी यहाँ तक आ गई है, और ये मेरा 6 मंथ्स का रिजल्ट है अभी तक के। देखिए यहाँ से जो आ रहे हैं अभी भी बाकी है वहाँ पे, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ड्रामेटिक चेंज आया है, अभी भी वहाँ पे मुझे बाल कम लगते हैं, बट मेरे हिसाब से ये क्रीम, ये जो सीरम है ये वर्क करती है, और कोई भी सीरम एक दिन में या दो दिन में काम नहीं करने वाली। अगर आपको एक या दो दिन में काम करने वाली कोई चीज़ चाहिए तो आई एम सॉरी, ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रोडक्ट काम करेगा जो दो दिन में आपकी हेयर ग्रोथ करा दे। सो ये एक प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होती है, सो आप इसे बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जो होनी है, जिस टाइम पे होनी है, जितना होनी है उतनी होनी ही है, सो आप हेयर फॉल को रोक नहीं सकते हैं, हेयर फॉल तो होना ही है, डेड सेल जाएंगे, ओल्ड सेल जाएंगे, तभी न्यू सेल आएंगे, लेकिन अगर न्यू सेल नहीं आ रहे हैं तो वो आपकी चिंता का विषय बन जाता है, तब आप उसके लिए बिल्कुल उपाय कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, डर्मेट से कंसर्न कीजिए, ट्राइकोलॉजिस्ट से कंसर्न कीजिए। मैंने ये सीरम यूज़ किया, मुझे इसका रिजल्ट मिला, बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं है जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, बट यस मेरा तो थम्स अप है इसके लिए, क्योंकि इसने मेरे ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट किया है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं आई है, बट आप रिज़ल्ट जो भी है वो आपके सामने है। ये मेरा व्यू था कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट आप अगर सेंसिटिव पर्सन है, सेंसिटिव स्किन पर्सन है, तो प्लीज़ 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 अपने डर्मेट से कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद में ही कोई सीरम यूज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि सबका स्किन डिफरेंट होता है। तो अब हम देखते हैं ये जो सीरम होती है ये ब्लैक कार्ड बॉक्स में आती है, आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट की फुल लिस्ट दी हुई है। ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, इसके अंदर और एक बॉक्स होता है, और उसके अंदर ये एक ग्लास बॉटल है जो ब्लैक कलर की है, और ग्लास बॉटल है, इसके अंदर एक ड्रॉपर है, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, हमारे स्किन में रेडिली अब्जॉर्ब हो जाता है, बट हल्का सा ऑयलीनेस ये छोड़ देता है बाद में, इस वजह से जब अभी आप लगाते हैं तो एक ऑयलीनेस आपके हेयर पे रह जाता है, तो आप इसे रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते, ये इसका नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि रोज़ ऑयली बालों के साथ कौन बाहर जाएगा, हेयर स्टाइल हो नहीं पाती है उसके ऊपर। सो मैं इसे बहुत रेगुलरली यूज़ नहीं करती हूँ, मैं वीकली ट्वाइस ही यूज़ करती हूँ, जब मुझे बाल धोना होता है उसके एक दिन पहले मैं इसे लगाती हूँ। ओके, सो इसे यूज़ कैसे करते हैं, हमें 1 ml लेना है ड्रॉपर में, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ पे आप क्लीन और ड्राई सरफेस पे आपको ये लगाना है, हल्का सा मसाज करना है, रात भर रखना है, और नेक्स्ट डे आपको बाल धो लेना है। तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, लाइक बटन दबाइए, नोटिफिकेशन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, और पसंद आई है तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।